ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता लगातार 12वें दिन सोमवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायालय के उत्तरी गेट तथा पूर्वी गेट की सड़क पर चक्का जाम भी किया। ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता 1 फरवरी से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में गठित संघर्ष समिति संयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा सोमवार को संघ भवन में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता भी की गई। उनका कहना था कि यह लड़ाई बादकारियों के हित में लड़ी जा रही है। सुदूर अंचलों में ग्रामीण न्यायालय स्थापित होने से गरीब तथा कमजोर तबके को न्याय नहीं मिल पाएगा। अभी ग्रामीण न्यायालय में आधारभूत ढांचा भी ठीक से मौजूद नहीं है। हमारी प्रमुख मांग है कि ग्रामीण अदालत से न्यायिक अधिकारियों को वापस बुलाया जाए। दीवानी न्यायालय में पहले से ही अधिकारियों की संख्या कम है और मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा है। न्यायिक विकेंद्रीकरण के नाम पर अधिवक्ताओं की एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो दीवानी न्यायालय में रिक्त अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। सरकार अगर चाहती है कि न्यायिक विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है तो देश के हर राज्य की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ तथा प्रदेश में हर मंडल स्तर पर हाईकोर्ट की एक खंडपीठ का गठन किया जाए। ग्रामीण न्यायालय के विरोध में अध्यक्षता संगठन की तरफ से केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को इस आंदोलन में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन की पदाधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, मंत्री रामनारायण यादव, टैक्स बार संगठन के अध्यक्ष अजय कुमार समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। कि ग्रामीण न्यायालय का जो मकसद है वह समझे तुगलकी फरमान है। माननीय मनमोहन सिंह जी के जमाने में एक्ट बना 7 में, तब से आज तक लागू नहीं हुआ। आपको बता दूं कि यह ग्रामीण न्यायालय जो गांव में गई है, ग्राम पंचायतें जो हैं उसमें बनाया गया है। वहां पर गोबर पाथे जाते हैं, गोहराउर है, आदमी कोई वहां न बैठने की सुविधा है, न रहने की सुविधा है, न अधिकारी के लिए सुविधा है, न वकील के सुविधा है, बादकारी को क्यों सुविधा है। गवर्नमेंट का नारा है कि न्याय चला निर्धन से मिलने, मैं तो कह रहा हूँ न्याय चला धनवान से मिलने, नहीं न्याय चला धनवान से मिलने, न्याय चला गांव में, गांव में धन वालों से मिल करके जो दबंग हो गए गरीब आदमी। आप यह भी जान लें कि गांव में जाने से कितना नुकसान बादकारियों का है। माननीय उच्च न्यायालय का कोई सेमडे का आर्डर आ जाए, जज का आर्डर आ जाए, बादकारी आर्डर होने के बावजूद भी जेल में ही रहेगा, वो निकल नहीं सकता। मैं तो गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि आप अगर निर्धनों के प्रति इतने दयालु हैं, जिस समय यह सोचे रहे होंगे लोग उस समय आने जाने में दिक्कतें थी, आज तो आधा घंटा एक घंटा में हर लोग हर जगह पहुंच जा रहे हैं। अगर इतनी सुविधा आप देना चाहते हैं तो हमारी यह भी मांग है कि हर प्रदेश में एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच खोल दिया जाए, हर कमिश्नरी में एक जो है हाई कोर्ट की बेंच खोल दिया जाए। तो गवर्नमेंट तो चाहती है वकीलों को इतना बांट दो कि कोई विरोध करने लायक भी न रह जाए। अगला है और मेरा एक मांग और भी है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जैसे मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो वकील इतना उतावला है कि आपके सरकार आपके कामों से लोग खुश रहने के बावजूद भी इलेक्शन में वोट का बहिष्कार करने के लिए मजबूर हो जाएं। ये हमारी मांग उनसे है और मैं यह मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी हैं, आप जो कभी कोई नहीं कर पाया उसको किया आपने, लेकिन यह काला कानून इस पर आप पुनः मीटिंग करा के जैसे भी उस काले कानून को समाप्त करिए, मांग है। लेकिन चूँकि कानून तुरंत बदलेगा नहीं, उस मांग को हम लोगों ने बदल दिया है। उसकी वजह बताऊं आपको कि अपने घर पूरा रहे तब में दूसरे को दिया जाता है। यहाँ पर 67 न्यायालय हैं जिसमें 28 खाली थी, 28 इस समय हैं और 32 थे उसमें 4 भेज दिए गए, माने 4 और हमारी खाली हो गई, 28 में 4 और चले गए तो हो गया कम 32 खाली हो गई। तो हमारी मांग है कि हमारे यहाँ जैसे आप 28 न्यायालय किए हैं, ग्रामीण न्यायालय को खाली रख दें, उन अधिकारियों को वापस कर दें, हम अपने जो हड़ताल को समाप्त कर देंगे और सुचारू रूप से काम। वकील तो हमेशा अपना नहीं बादकारियों का ही सोचता है। आप लोग हमारे ही घर के हैं, आप जानिए कि एक अधिवक्ता को अगर गरीब आदमी ले जाएगा तो आने जाने का किराया, भाड़ा, गाड़ी घोड़ा बेचारा कितना महंगा पड़ जाएगा। वहाँ तो अकेले आ जाता, कम से कम भाई वकील मिलते हैं, महंगे भी वकील हैं, तो आप जानते हैं उसका काम हो जाता है।
वहाँ न अधिकारी सुरक्षित है, न वकील सुरक्षित है, न बातकारी सुरक्षित है। रास्ते में आते वक्त कितने बातकारी कूद के यहाँ भागते हैं, सालों बाद आप देख ही रहे, भी निकला कल ने कि भाग गया तो पकड़ा गया 1,00,000 का इनाम। इसी तरह का वार्ताएं होगी। हम लोगों का विरोध जो है बातकारियों के हित के लिए है, हम लोग अपने हित के लिए कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। गठन हो गया, इसके बाद गठन हो गया हमारा विरोध, गठन मान लीजिए, गठन कहाँ कर, गठन हो गया, बन गया। जैसे आप यहाँ खाली रखे हैं, आपकी ग्रामीण न्यायालय गठित रहे लेकिन पूरे हेडक्वार्टर पर भर के जितनी जगहें हैं सरप्लस आप नियुक्ति नहीं करेंगे, अधिकारी खाली हैं, कहेंगे भार बढ़ रहा है, जजों की नियुक्ति नहीं होगी, मुंसिफों की नियुक्ति नहीं होगी, तो सरकार को भी हम आगाह करें, आप नियुक्ति करिए तब बात करिए, और गांव चला में निर्धन से मिलने वाले बात करिए। ये सरकार को ये सब हो रहा है। सरकार ने बढ़ा 13 में। और एक चीज और बता दूं आपसे, बहुत कि ये 1,00,000 का विलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 1,000 का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1,000 ही रखा है। अखिलेश जी की सरकार थी 13 में, वह 25,000 का कर दिए। उस वैल्यूएशन से एक भी मुकदमा सिविल का यहाँ नहीं बचेगा, चला जाएगा गांव में। और इससे यह भी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, कि आप जो है इस एक्ट जो बना है इसको आप चाहें कि इसको आप भी समाप्त कर सकते हैं वैल्यूएशन के मामले पर, जो सेंट्रल एक्ट में उसको रखिए, इसको बढ़ाइए मत, तभी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग आए दिन हर पब्लिक को दिक्कत तो होगी ही, लेकिन 20 पब्लिक को दिक्कत है, कई लाख पब्लिक के लिए हम लोग सोच रहे हैं। पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पब्लिक तो जेल में इतनी है, वह भी पब्लिक ही है। आप लोग मुख्यमंत्री से मिले, बिल्कुल, वह डेलीगेशन मुख्यमंत्री से जा रहा है, यह हमारा डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है, और हमारी हड़ताल डे बाई डे चलेगी, क्योंकि रोज करेंगे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की इस तरह बाइंडिंग है कि डे टू डे कर सकते हैं लेकिन रोजाना नहीं कर सकते। हम मांग कर रहे अपना नुकसान करके, हम लोग पहली तारीख से हैं और यह विरोध हम कर रहे हैं आज से, और हर साल एक महीना हमारा इसमें चला जाता है, तो जब चली गई है तो हम भी इसका कोई अंत करके ही अपनी हड़ताल को वापस लेंगे। अधिवक्ता आंदोलित हैं, इसका प्रभाव सरकारों पर तो पड़ेगा, यह किसी भी स्थिति में यह हड़ताल वापस होने की कोई राय बन नहीं रही है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी यह हड़ताल बदस्तूर चलती रहेगी, और मैं इन सरकारों से कहना चाहता हूं कि चाहे वह योगी जी की सरकार हो चाहे वह मोदी जी की सरकार हो, इस काले कानून को जब तक या तो वापस ले लें या उसमें इस तरह का तरमीम करें कि लोगों का भला हो सके, जिस स्थिति में था उस स्थिति में कर दें, हम लोग हड़ताल वापस ले लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये हड़ताल चलती रहेगी, लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ में एक